Let's talk about the book Energize Your Mind by Gauru Gopal Das. इनकी मैंने पहली बुक पढ़ी थी, दैट इज लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट, एंड उस पर पहले एक वीडियो है, यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. दैट वॉज एन अमेजिंग बुक टू यू नो अंडरस्टैंड योर लाइफ, कि लाइफ के व्हील्स कैसे होते हैं, लाइफ के चार व्हील्स कौन से होते हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट. दैट वॉज अ ब्यूटीफुल बुक, यू शुड डेफिनेटली गो चेक आउट. सो इस बुक पर हम बात करने वाले हैं उनकी सेकेंड बुक, दैट इज एनर्जाइज यूअर माइंड, अ मॉन्क गाइड टू द माइंडफुल लाइफ. बेसिकली माइंडफुल लाइफ क्या होती है उसके बारे में इन्होंने बात की है. To be honest, I'm going to give deep dive into the video, but this will be a very short review whether you should read this book or not. So this book is divided into four section, just like the life summary grade. उसमें उन्होंने four wheels की बात की थी कि life में चार wheels के कौन से होते हैं, how to drive your car. तो इस book में it's more about on the same line. इन्होंने चार section में divide किया गया है. So he specifically talk about the mind and the mindfulness. So first one is all about the me and my mind. That is the first section he talk about, कि आपको आपका mind के साथ कैसे connection बनना चाहिए, क्या क्या उसमें चीज़ें होती है, growth mindset वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस चीज़ में इस first section में explain की गई है. Second section is all about me and others mind. जैसे यू नो इफ़ यू हैव अ फ्रेंड, इफ़ यू हैव अ फैमिली, तो आपका माइंड और दूसरों का माइंड, तो कैसे उस पर वर्क होता है, क्या क्या चीज़ें उस पर अंडर होती है, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने इस सेक्शन टू में एक्सप्लेन की गई है, विच इज़ मोर अबाउट योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, हाउ डू यू कोप अप विद दैट, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट, हाउ डू यू सेग्रीगेट दैट. तो ये सारी बेसिक जैसी चीज़ें जो आपके खुद के माइंड के बारे में और दूसरों के माइंड के बारे में, ये चीज़ें उन्होंने सेक्शन टू में एक्सप्लेन की गई है. सेक्शन टी अगेन द ऑल सेक्शन टू एंड सेक्शन टू काइंड ऑफ आई फाउंड आउट लिटिल बिट ऑफ सिमिलर. Me and the mind of the others, मतलब other लोगों के action से आपके mind पे क्या definition होती है. अगर other लोग यानी कि आपके friends, आपके relatives कोई अलग चीज़ करती है, या कोई भी random person कोई other चीज़ करता है, तो उसका आपके mind पे क्या असर होता है, ये चीज़ें उन्होंने third section में explain की गई. This section also talks about how you can treat others, यानी कि specifically ये सारी चीज़ें आपके life में बहुत सारे you know ups and downs लाएगी, बहुत सारे other people के habits या you know बहुत सारी चीज़ें आपको hurt करेगी, and how do you cope up with that, ये सारी चीज़ें, और आपको हाउ डू यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड, और हाउ यू शुड ट्रीट अदर्स, और हाउ यू कैन ट्रीट अदर्स इवन बेटर. तो ये सारी चीज़ें सेक्शन थ्री में एक्सप्लेन की गई है. एंड द लास्ट चैप्टर इज मोर अबाउट हाउ यूअर एंड यूअर माइंड एंड द यूनिवर्स माइंड वर्क. स्पेसिफिकली यू नो फर्स्ट चैप्टर ऑल अबाउट यूर खुद के माइंड के बारे में, सेकंड चैप्टर अदर्स के माइंड के बारे में, थर्ड चैप्टर ऑल अबाउट अदर्स एक्शंस, अदर लोगों के माइंड के एक्शंस के बारे में कैसे आपका अफेक्ट होता है, एंड फोर्थ चैप्टर इज ऑल अबाउट यूनिवर्स, यू एंड द यूनिवर्स माइंड, लोग यार लाइक हाउ यू टॉक, हाउ यू स्पीक, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई, एंड हाउ दैट कैन अफेक्ट यूअर माइंड अल्टीमेटली, आई मीन वॉट टाइप ऑफ एनर्जीज यू आर सेंडिंग इन टू द यूनिवर्स, एंड हाउ दैट गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन यू. सो बेसिकली ये सारी चीज़ें चार सेक्शन में डिवाइड की गई है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉट डू आई थिंक अबाउट दिस बुक. सो टू बी ऑनेस्ट आई फाउंड दिस बुक लिटल बिट एवरेज. इट्स नॉट रियली गुड बुक, एंड इट्स नॉट रियली बैड बुक, बट इट्स अ काइंड ऑफ एवरेज. आई वोंट रिकमेंड हाईली रीडिंग दिस बुक, रादर गो द रीड एंड द फर्स्ट बुक, दैट इज अ लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट. वो बहुत ही अच्छी बुक है, बट इस बुक के बारे में उतना मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, लाइक देर इज अ डिसकनेक्ट आई फील, कि यू नो हर सेक्शन में थोड़ा बहुत डिसकनेक्ट आई फील हुआ. And this is my personal opinion. Probably I have read more books because of that. मुझे ये लगा कि ये मेरा personal opinion है कि ये book थोड़ी मुझे average लगी. Not like there are not so many great stories explained, not so many different theories. बहुत सारी चीज़ें इसमें से आपको पता भी होती है, बहुत सारी चीज़ें यू नो इसमें से ऐसे जो आपको पहले से पता होगी, एंड स्टिल यू माइट फील लाइक अच्छा दिस कैन बी बेटर, एंड वो सारी चीज़ें इसमें बेसिक एक्सप्लेन की गई है. यू नो द बेस्ट थिंग आई विल सजेस्ट, अगर आपको ये बुक पढ़नी है, देन डायरेक्टली जंप इन टू द एंड ऑफ द ईच चैप्टर. एंड ऑफ द ईच चैप्टर के बारे में उनको समरी दी गई, लाइक वॉट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट. तो हर एक सेक्शन में बहुत सारे चैप्टर्स है, एंड हर एक चैप्टर के एंड में देर इज समरी की यह चैप्टर किस बारे में, वेदर इट इज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट सेल्फिशनेस, वेदर इट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट फोमो, वेदर इट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट यू नो गिल्ट ट्रिप और गिल्ट प्रेजर. सो उसके बारे में हर एक चैप्टर के एंड में समरी दी गई. इफ़ यू कैन एबल टू रीड दैट समरी ओनली, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड 90% ऑफ दिस बुक, बिकॉज ऑल द चैप्टर्स आर फिल्ड विद एग्जाम्पल्स, एंड एग्जाम्पल्स आर नॉट दैट ग्रेट जैसे फर्स्ट बुक में थी. सो आई फाउंड दिस बुक इज लिटल बिट एवरेज, एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. इफ यू हैव रेड दिस बुक, देन लेट मी नो इन टू द कमेंट सेक्शन कि आप इस बुक के बारे में क्या सोचते हो, एंड वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस बुक. टू बी ऑनेस्ट पर्सनली आई फेल्ट दिस बुक इज वे, इट कैन बी वे बेटर, जिस तरह से उनके यू नो लेक्चर्स है, जिस तरह के उनकी फर्स्ट बुक थी, आई हैड अ हाई एक्सपेक्टेशन कि ये बुक की भी उस टाइप की होगी. बट एनी वे यू नो हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. दिस बुक इज अ काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ सीन वेर ही इज टॉकिंग अबाउट माइंडफुलनेस, बट
not in a that great extent. So I won't highly recommend you to read this. Agar aapko phir bhi book padhni hai, then just go and read the summary of each chapter and you will able to understand everything better. So that's everything about this book. Agar aapko iska written review chahiye, then make sure you join the newsletter where I'm going to share you all about, you know, written reviews and everything. So that's all for the today's. See you in the next one. Bye bye. Take care.